हे गाइस, तो आज है दूसरा दिन मेरा राजस्थान में, और अगर कल से कंपेयर करें तो आज का मौसम काफ़ी अच्छा है। धूप निकल रही है। आज मेन दिन है, वो बारात वाला दिन। मैं नहा के हो चुका हूँ तैयार, और एक चीज़ जो मेरे को बोलनी है वो ये कि राजस्थान का पानी अपने दिल्ली के पानी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। चिकना है, पता है, स्लिपरी है। जब तक तुम नहाते रहते हो ना, ऐसा लगता है साबुन लगा हुआ है। मैंने लिटरली 2 टब खाली कर दिए यहाँ के, भाई रगड़ता रहा, ऐसा लग रहा है अभी भी स्लिपरी है। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे शैम्पू लगाया हो मैंने बालों में, साबुन लगाया था। जब तुम टॉवल यूज़ कर लेते हो ना तो स्किन बहुत रफ़ हो जाती है, फिर वो वैसी नहीं रहती। तुम लोगों को पता नहीं दिख रहा होगा या नहीं, बट मेरे हाथ दोनों वाइट हो चुके हैं, जो वो सर्दियों में हो जाते हैं ना वैसे, बिल्कुल रफ़ हो गई है। अगर मैं ऐसे करूँ ना तो वो वाइट लाइन आ जाएगी, बाल भी बिल्कुल रूखे सूखे से हो गए हैं। बाकी फ़िलहाल अभी कुछ इंटरेस्टिंग हो नहीं रहा, सिंपल गाने चल रहे हैं, और वो जो मंदिर वगैरह जाते हैं ना, जो रस्म वगैरह करते हैं, रिचुअल्स, वो सब निभाएंगे। कल का दिन वैसे काफ़ी ज़बरदस्त था, हम लोगों ने ऊँट वगैरह की सवारी करी, डांस वगैरह किया, थोड़ा सा मज़े आए। A few moments later. तो अभी हम लोग धूप में बैठे हुए हैं, धूप का मज़ा ले रहे हैं, थोड़ा सा टाइम पास करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने अपने पापा को फ़ोन का हैंगर बनाया हुआ है, अब फ़ोन नहीं होगा तो बोर हो जाएंगे। यहाँ पे टाइम पास करने का और कोई चारा वारा नहीं है। धूप इतनी बढ़िया, नींद आ रही है, देखो। पापा अपना कंस्ट्रक्शन वाला दिमाग यहाँ पे भी लगाने लगे, पानी वानी उठाने का जुगाड़ कर रहे हैं, देखो इंडियन जुगाड़। ऑलराइटी, बहुत कैड़ी धूप हो रही है। अभी हम लोग जा रहे हैं राजस्थान की गलियों में, कोई दुकान देख रहे हैं। मेरी जो चाबी है ना उसमें ये चिराग है, उस चिराग का ना एक हिस्सा टूट गया। वो कहाँ गिर गया, वो देखियो तो। हाँ, ये चिराग का टुकड़ा ना गिर के पता नहीं कहाँ रह गया। उसके लिए फेविक्विक लेने जा रहे हैं, और उस फेविक्विक के लिए दुकान ढूंढने जा रहे हैं। मिल गया। तो ये है वो टुकड़ा जो टूट गया है, और ये बहुत ही अच्छा लगता है चाबी के साथ, तो मैं इसे ख़राब नहीं करना चाहता, इसीलिए जा रहे हैं हम फेविक्विक वगैरह ढूंढने। ये जो वो है ना की चेन चिराग वाली, ये मैंने ली थी दुबई से। अब ये राजस्थान की गलियां तो बिल्कुल खाली खाली दिख रही हैं मुझे, तो दूर दूर तक कोई दुकान नहीं दिख रही, खेत खेत बस। बाकी देखते हैं, दुकान तो मिली जाएगी, बताया है यहाँ पे है, ले ली। और लिटरली हमारे बगल में थी दुकान, वहाँ से आए हम दिखी नहीं थी। इस की चेन की एक खास बात है, ये मिट्टी में बहुत बार गिरी है पर ये गंदी नहीं होती, साफ़ हो जाती है तभी। और हमने कुछ टॉफ़ीज भी ली है, इस टॉफ़ी से क्या याद आ रहा है, एल्पेनलीबे, या पता नहीं उसकी प्रोनंसिएशन यही है या नहीं, पर बिल्कुल सेम टॉफ़ी मिली है, टेस्ट अलग है बता रहे हैं। इस वाली टॉफ़ी का टेस्ट थोड़ा सा अलग है, एल्पेनलीबे बेटर थी। तो कल से मुझे एक चीज़ का इंतज़ार था, मेरे को बोलने लग रहे थे कि मेरे को भी साफा बांधा जाएगा, लेकिन कल तक कंफर्म नहीं था, आज कंफर्म हो गया, अपने को ये मिल गई। अब साफा बनने का वेट है, बस शाम को बंधेगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि पहली बार पग टाइप पहनूंगा मैं, कभी मौका नहीं मिला पगड़ी बांधने का, लेकिन साफा भी एक तरह से वही चीज़ होती है, तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ। अभी मैं राजस्थान के रेलवे स्टेशन खड़ा हूँ। रेलवे स्टेशन पे क्या कर रहा है तू? वेल, होता है ना, जब तुम किसी रिश्तेदार की शादी में आते हो तो बहुत सारे रिश्तेदार के रिश्तेदार, अगर तुम्हारे पास गाड़ी होती है तो बोलते हैं कि यार इधर तक चले जाओ, उधर तक चले जाओ, तो दिस इज़ वन ऑफ दोज मोमेंट्स। मैं अपने रिश्तेदारों के लिए यूजफुल बन रहा हूँ आई गेस। अब पता नहीं ये सब मेरे को छोड़ के कहाँ चले गए, इनके बैग यहाँ पे हैं। अरे यार रखने से क्या होगा, मर जाएगा ये। एक कटोरी वटोरी देख ले, वो तो मैं अंदर से ले आऊंगा ना, ग्लास में। ग्लास में नहीं, कोई जगह देख ले जहाँ पे हम इसे पानी पिला सके। इसके साथ गर्दन झुक गई पूरी, गिर जाएगा। कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं रहा, सो रहा है ये, इसे तो आराम की जरूरत है। सो रहा है तो फिर यहीं रख दो, या ये कुछ ज्यादा ही बुजुर्ग हो गया। आराम से
हमने यहाँ पे छोड़ दिया, जैसा कि बड़ों ने हमें गाइड किया कि यहाँ पे छोड़ दो इसे, होपफुली ये ठीक हो जाए। अब देखो डॉक्टर्स वगैरह तो है नहीं यहाँ पे, कोई कुछ कर नहीं सकता इसका, ये आई थिंक बुजुर्ग है। A few moments later. यहो कबूतर के रिगार्डिंग एक अपडेट, अब ये काफ़ी एक्टिव लग रहा है। आई थिंक किसी डॉग वगैरह ने परेशान किया होगा इसे, अब तो काफ़ी इसकी गर्दन वगैरह हिल रही है और पानी की तरफ को भी देख रहा है। कुछ ही देर में काफ़ी जान आ जाएगी इसमें, फिर ये पानी को अप्रोच कर लेगा जल्दी ही। वैसे अब तो फिर भी काफ़ी एक्टिव है लिटरली, वरना जब मैंने इसे पकड़ा हुआ था इसकी गर्दन बिल्कुल झुकी हुई थी जैसे मर गया हो, अब तो फिर भी ये आँख बंद खोल रहा है अपनी। हमारे पिताश्री कहाँ गिर गया, तो क्यों गए थे मैं कह रहा था, हाँ पानी देने जा रहे थे उसे, उड़ गया वो, अब पता नहीं कहाँ गिर गया। मतलब सही मैं मना कर रहा हूँ जब कि उसमें जान नहीं है, डर जाएगा वो गिर जाएगा, नहीं जाना है उसे, तो शराफत दिखानी है, मैंने शराफत दिखा दी थी बहुत, नहीं था रोड पे गिर गया, कुत्ते पाड़ देंगे उसे पता है, फिर से हाथ में आ ही गए हैं, वहीं रख दो इसे दोबारा, पकड़ ही लाए हम जैसे तैसे इसे, अब देखो ये भागे ना बस, हाँ वहीं छोड़ दो बस आराम से, बस छोड़ दो, अरे इधर आ जाओ, अब पट्टी करोगे उसकी, हाँ फिर डराओगे उसे, वो अपने आप हो जाएगा, हुआ था ना पहले भी, पुच्ची देने गए थे उसे, भगा दिया था बेकार में। आई एम प्रीटी श्योर वो ठीक है, बस उसके पैर या पंख में थोड़ी चोट वोट लगी हुई है, इस वजह से वो नहीं उड़ पा रहा, क्योंकि अभी उड़ा था वो और जान भी आ गई थी उसमें, थोड़ा आराम करेगा तो वो ठीक हो जाएगा और फिर उड़ने लग जाएगा। बाय द वे बादल देखो जरा, बाप रे खतरनाक मौसम हो गया है ये रोज़ रात का यही सीन है, पता है राजस्थान और दिल्ली के मौसम में बहुत फ़र्क है, क्योंकि अपने यहाँ पे राजस्थान में क्या है, दोपहर में पूरे टाइम गर्मी रहेगी और रात को इतनी कड़क ठंड पूछो मत, दिल्ली में जो चल रहा है वही चलता रहेगा, ऐसा सीन है। तो बारिश और धूप के मिक्स मौसम के बीच में से गाड़ी निकालते निकालते हम जैसे तैसे अभी यहाँ पे रुके हैं, 2.5 घंटा हो गया हमें ऑलरेडी ट्रैवल करते हुए, अभी भी बहुत दूर जाना है, काफ़ी लंबा पड़ रहा है यार, तो इसका मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो 9 घंटे का ट्रैवल करा है हमने, और हमारे बीच में 9 टोल बूथ आए थे, 9 दिल्ली से राजस्थान तक, और रोड भी वैसे तो अच्छा है बिल्कुल, एक भी गड्ढा नहीं कुछ नहीं, तो आई थिंक वसूल रहे हैं वो, कोई बात नहीं इतना चलता है वो डिज़र्व करते हैं ये मनी, बिकॉज रोड एक्चुअल में बहुत अच्छा है, लेकिन मिक्स मौसम भाई, मौसम का तो कुछ नहीं कह सकते, पलटा पुलटा मौसम है, और मेरी तो हालत अब लग भी नहीं रही कि मैं शादी में जा रहा हूँ, सीरियसली देख रहे हो बाल कितने रूखे सूखे और शक्ल भी ऐसी हो गई, फिर पेंट भी थोड़ी गंदी सी हो गई मेरी, सुबह ही नहा लिया था ना मैं, मुझे नहीं पता था ऐसा होने वाला सीन। फिलहाल हम होटल में रुके हैं ताकि धूला वूला रेडी हो सके और हम भी थोड़ा फ्रेश फ्रूश हो जाए, क्योंकि हम पहुंचने वाले हैं फाइनली। अच्छा राजस्थानी मैरिज में एक चीज़ और है, शगन के नाम पे ना वाइन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, आई मीन हर जगह जब देखो वाइन वाइन, क्योंकि कल जो फंक्शन था उसमें शाम को जितने भी बड़े बुजुर्ग थे उनको वाइन दे रहे थे, यहाँ पे भी बहुत सारी वाइन खरीदी अभी। तो अभी हम लोग हैं उस जगह जहाँ पर घुड़चढ़ी होती है, येलो रसगुल्ले पहली बार खा रहा हूँ, इन्हें गुलाब जामुन तो नहीं कहते होंगे ना, इन्हें रसगुल्ले ही कहते हैं है ना, गुलाब तो वो चम है रेड वाले, चमचम क्या कह रहे चमचम चमचम। ये जो पकोड़े हैं ना इनको भी समोसा बना रखा है, इसमें भी पिट्ठी विट्ठी भर रखी है, वो इतने कुछ खास नहीं लगे, चमचम वो थोड़ा सही था, बढ़िया। तो अभी यहाँ पे डिसाइड चल रहा है कि मेरे को क्या पहनना चाहिए, मैं ये पहन के आया था, हालांकि मैं जब अमेरिका गया था तब भी ये पहनी थी, यही देखा यही नुकसान होता है जब तुम शॉपिंग नहीं करते शादी से पहले, वही पुरानी ड्रेसेस पहन के आनी पड़ती हैं। तो अभी का मेरा लुक है कुछ ऐसा, यार मेरे को तो लग रहा है मैं बढ़िया लग रहा हूँ, ठीक है ये ड्रेस काफ़ी सही लग रही है ना, सूट कर रही है, चोखा राजस्थानी लग रहा हूँ और क्या चाहिए है ना, देखो लुक आ रहा है, हालांकि तू फ्लैश मार रहा है इसलिए गोरा सा लग रहा हूँ मैं थोड़ा
मेरे को तो इसका शौक पूरा करना था, बस पहन लिया, बढ़िया लग रहा है। पता है मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे को थोड़ा सा टाइम और मिलता ना घर पे, और आई मीन अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता और दूसरे वाला मफलर लेके आता, ये वाइट वाला नहीं वो पर्पल वाला, तो बहुत ज़्यादा अच्छा और सूट करता। वैसे तो ये भी बुरा नहीं है, आई मीन खतरनाक दिख रहा हूँ मैं, और क्या चाहिए। सारे आगे निकल गए, हमें भी चलना चाहिए। ऑल राइटी, तो हम लोग लोकेशन पर तो पहुँच चुके हैं, आई मीन जहाँ पे शादी है। बट एक बहुत ही ऑकवर्ड चीज़ हुई। पहली बात तो घुड़चढ़ी नहीं हो पाई सक्सेसफुली, बिकॉज पुलिस वाले आ गए थे, डीजे चल रहा था, बंद करवा दिया। जो पटाखे वटाखे थे उनकी परमिशन नहीं दी उन्होंने, तो पटाखे भी नहीं फोड़ने दिए। वो ना रायता सा फैल गया बिल्कुल, वो वाला हाल हो गया। बाकी जो एंट्री है वो काफ़ी सॉलिड बना रखी है, ठीक है, रेनबो कलर्स और ये सब। अब पता है देखो, ऑकवर्ड चीज़ ये नहीं है कि घुड़चढ़ी वगैरह बंद हो गई, चलो वो तो चलो परमिशन पर डिपेंड करता है, लेकिन हम उसे रिचुअल कह सकते हैं या पटाखे वटाखे फूट रहे हैं, क्या हुआ, पटाखे फूट रहे हैं, पता नहीं परमिशन किसने दी परमिशन। अच्छा तो मैं बाहर आके बैठ गया, तो मैं ऑकवर्ड चीज जो है वो एक्सप्लेन कर रहा था। देखो सीन क्या हुआ, अपने यहाँ क्या होता है ना, घुड़चढ़ी होती है, उसके बाद हम लोग उस लोकेशन पे आते हैं जहाँ पे फेरे होते हैं, राइट, क्योंकि एक सरप्राइज होता है कि हाँ दूल्हा आ गया, यस, बहुत ज़्यादा इंटेंस सिचुएशन हो जाती है। अब राजस्थान में क्या हुआ यार, गाने चल गए, उन्होंने दोबारा गाने चला दिए, नहीं कॉपीराइट। ऑलराइट, तो खाना वाना मैंने खा लिया है, अब उस ऑकवर्ड सिचुएशन की जो मैं बात कर रहा था उसे कंटिन्यू करते हैं। तो अपने यहाँ क्या होता है ना कि घुड़चढ़ी के बाद डायरेक्ट हम उस जगह जाते हैं जहाँ पे ये जो मेन जो प्रोग्राम होता है, ठीक है। इनके यहाँ क्या होता है राजस्थानियों में, पता नहीं हर जगह होता है या नहीं, बट यहाँ पे आज हुआ और बहुत आई मीन फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा जो मैंने वो फर्स्ट टाइम नोटिस किया। तो वो ये था कि पहले हम डायरेक्ट अपने घर से यहाँ पे आए मेन प्रोग्राम पे, शक्ल दिखाई, और फिर उसमें से एक बंदा होता है वो देखता है कि हाँ नाई बोलते हैं उसे, हाँ बारात आ गई, और उसके बाद वो अंदर जाके सबको बता देता है लड़की वालों को, और फिर हम दूसरी जगह जाते हैं जहाँ से घुड़चढ़ी होनी होती है, और वहाँ से फिर घुड़चढ़ी करके फिर वापस आते हैं। तो ये थोड़ा सा ना सस्पेंस मेरे को लगता है तोड़ देता है, क्या पता नहीं, मैंने तो नहीं देखा आज तक ऐसा होता हुआ कि दूल्हा पहले प्रोग्राम की जगह पर आ रहा है फिर घुड़चढ़ी की जगह पर जा रहा है, बहुत ऑकवर्ड था। और अब हर रिलीजन और हर इन सब में अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, तो ये सही चीज़ है कि डिफरेंट डिफरेंट रिचुअल्स वगैरह देखने को मिलते हैं हमें शादियों में। बाकी आज मैंने ये राजस्थानी लुक भी लिया फर्स्ट टाइम, अच्छा एक्सपीरियंस था, नया एक्सपीरियंस था, काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। अब यहाँ पे सब लोगों ने अपनी गाड़ियाँ लगा रखी हैं, सब लोग गुट्टी ले रहे हैं अपनी दवाई पी के, अब ये सब धुत हो जाएंगे और उसके बाद डीजे पे तबाही मचेगी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आज है अपना तीसरा ऑफिशियली सुहाना दिन राजस्थान में। अब हम लोग निकलने वाले हैं, शादी वादी हो चुकी है, तो अब हम तो रात को ही आ गए थे 12-1 बजे, और भाई साहब राजस्थान के रोड रात को इतने ख़तरनाक और डेंजरस, पूछो मत तुम। जिस रास्ते से हम आ रहे थे दोनों साइड जंगल, 25-25 किलोमीटर तक कोई और नहीं, डर लग रहा था बहुत ही ख़तरनाक वाला। 100-120 की स्पीड से भगा के लेके आए हैं जैसे तैसे, खतरनाक था लेकिन एडवेंचरस था। मैं आप लोगों को थोड़ी सी क्लिप्स दिखाता हूँ, आपको पता चलेगा, थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा किस तरीके के रोड थे रात को। वो फीलिंग जो थी ना, पर वो तो हमने जो ली है वही है, बस आप लोग वो फील नहीं कर पाओगे जो डर हम फील कर रहे थे, बट क्लिप्स देखो। बाकी ठंड तो हो रही है पर धूप भी बहुत प्यारी निकल रही है, तो अभी दोपहर आते आते बहुत ही ख़तरनाक वाली गर्मी हो जाएगी, फिर गाड़ी में बैठ के एसी चलाना पड़ेगा क्योंकि अपना यहाँ का मौसम थोड़ा ऐसा ही है। बाकी इट वॉज फन, सही में राजस्थान अलग ही फील दे रहा है, 2-3 दिन का ब्रेक मिल गया मेरे को। मुझे ना पता है दूर की शादियों में जाना बस इसलिए पसंद है क्योंकि नई चीज़ें, नए रिचुअल्स और ये सब एक्सप्लोर करने में मज़ा आता है। ट्रैवल करना तो मेरे को वैसे ही बहुत पसंद है इन जनरल। व्लॉग यहीं तक का रखते हैं क्योंकि बस अब तो हमें घर ही जाना है, तो अभी मैं बस चाय पीने वाला हूँ जाके, और उसके बाद हम चलेंगे घर, 6 घंटे का ट्रैवल फिर से, लेकिन अब थोड़ी एनर्जी है तो कर सकते हैं।
आई होप आप लोगों को ये व्लॉग देखने में मज़ा आया होगा दोनों पार्ट्स। अगर आया है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर देना नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि आप लोग मेरे आने वाले और भयंकर व्लॉग्स गलती से भी मिस ना करो। आई होप मैं और ज़्यादा ट्रैवल करूँ, अभी तो वैसे बहुत सारे प्लान्स बनने हैं, तो आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा और मैं चला क्योंकि सब लोग मेरे को घूर रहे हैं। बाय।